खबर आगरा जनपद से, जहां आगरा एयरपोर्ट सिविल एनक्लेव का नाम नागरिक उड्डयन मंत्रालय के उन हवाई अड्डों की सूची में नहीं है जिनका की भारत सरकार के द्वारा लीजिंग किए जाने वाले एयरपोर्टों की सूची में नहीं है। उनका की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना के तहत पब्लिक प्राइवेट भागीदारी पीपीपी मॉड्यूल पर मुद्रीकरण किया जाना है। यह एक अच्छी जानकारी मानी जा सकती है जो कि आधिकारिक रूप से सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा को उपलब्ध करवाई गई है। हालांकि इसमें भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह सूचना मौजूदा सिविल एयरपोर्ट सिविल एनक्लेव के लिए ही है या अथवा धनौली अभयपुरा बलहरा के उस प्रस्तावित एयरपोर्ट के लिए भी है जिसके की मौजूदा एयरपोर्ट को शिफ्ट करने के लिए बनाया जाना है। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी इसके प्रोजेक्ट की डीपीआर को नया प्रोजेक्ट कहकर ही कोर्ट और सरकारी विभागों में अनुमतियों के लिए प्रस्तुत करती रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के इस कार्य को सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा उपयुक्त नहीं मानती है। साथ ही आगरा के नागरिकों के विरुद्ध भी दरअसल आगरा एयरपोर्ट ताज ट्रेपेजियम जोन के तहत आता है। टीटीजेड के तहत शिफ्ट होने वाले प्रोजेक्टों को तमाम उदारताएं और छूट दी हुई है जबकि नए प्रोजेक्ट को क्लियरेंस के लिए पाबंदियों से बचने और अनुमतियों के लिए तमाम औपचारिकताओं को पूरा करना होता है जिन पर लगने वाला समय और धन किसी भी स्थिति में औचित्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आगरा के एयरपोर्ट के ऊपर। सरकार ने बिना पैसे का क्लेरिफिकेशन किए आगरा एयरपोर्ट को डिक्लेयर किया हुआ है। हमको जो जानकारी मिली है वो नेशनल मॉनिटरिंग काउंसिल ने बताया, स्टेट गवर्नमेंट ने बताया कि कितने पैसे थे किसको कि ये सुनिश्चित हो सके कि ये केवल जुमलेबाजी नहीं है, ये एक कॉन्क्रीट काम है और एयरपोर्ट बनी हुई है जिसमें फंड जो आना है। हमको सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने जानकारी दी है कि आगरा का जो एयरपोर्ट है वो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में नहीं है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन वो स्कीम है भारत सरकार की जिसमें जितने भी उनके इस्टेब्लिशमेंट हैं या वो नए इस्टेब्लिशमेंट हैं उनको वो पीपीपी मॉडल में बनाना चाहते हैं। तो एक तो ये बात क्लियर हुई है लेकिन दूसरी बात ये है कि आगरा एयरपोर्ट को गतिशील गतिशक्ति मिशन प्राइम मिनिस्टर के उसमें डाला हुआ है जो कि एक अलग ही कहानी है क्योंकि उसके अंदर भी पीपीपी मॉडल में ही बिजनेस बनता है। तो अभी हमको ये जानकारी नहीं है कि ये फंड कैसे आएगा। हम डिमांड करते हैं कि जो अभी बजट आ रहा है उसके अंदर स्पेशल एलोकेशन किया जाए आगरा के एयरपोर्ट के लिए, तभी ये शामिल किया जा सकता है, तभी हम मान सकते हैं। खासकर आगरा एयरपोर्ट के लिए रखी गई है जो कल अयोध्या में जो जश्न हुआ था उसके लिए हम आगरा से उड़कर अयोध्या पहुँचते ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन आगरा के एयरपोर्ट को भ्रमित करके ऐसी अवस्था में डाल दिया है। ना तो मंत्री बोल रहे, ना कोई एमएलए बोल रहा, ना कोई मेयर बोल रहा, कोई बोलने वाला ऐसा आदमी नहीं है कि जो ये जिम्मेदारी से कह सके कि एयरपोर्ट आगरा बनने जा रहा है। और अयोध्या का एयरपोर्ट इससे पहले बन गया, चलो वो भवन के नाम राम के नाम पर था, वो जल्दी बन गया, अच्छी बात है, लेकिन अन्य एयरपोर्ट बन गए, नोएडा का बन रहा है, बहुत जल्दी बन रहा है, आगरा का क्यों लटक रहा है? जगह दे दी, अभी जगह के लिए कहा जगह उपलब्ध करा दी, नाप तोल कर ली, लेकिन अभी तक जगह उपलब्ध हुई है या नहीं हुई है, भ्रमित रखा गया आगरा।